दोस्तों, ये गांव का तालाब का जो है देहाती मछली है। इसमें दो तीन प्रकार का मछली है। देखिए, ये रोहू मछली है और ये हमको नया मछली देखने को मिला जो कि ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये तीन प्रकार का मछली है। हे गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, इवनिंग के 5:30 बज चुके हैं और आज हम जो है घर बहुत जल्दी वापस आ गए हैं ड्यूटी से। और अभी जस्ट हम घर पहुंचे हैं क्योंकि आज हमारा ज़्यादा काम नहीं था, तो काम जल्दी से ख़त्म हो गया और जल्दी घर आ गए। तो दोस्तों, अभी जो है शीला और डुगू, शीला मायके में है और उसको हम छोड़ के आ गए थे। हम कल ही घर वापस आए और अभी देखिए, परी जो है डुगू का गाड़ी चला रही है और ये डुगू को ढूंढने आई थी। तो इसको अभी पता चला कि डुगू नानी घर गया हुआ है। और दोस्तों, डुगू घर में नहीं है तो सूना सूना लगता है, क्योंकि वो घर में रहता है तो इधर से उधर हल्ला गुल्ला करते रहता है, खेलते रहता है ना, उसका आवाज़ आते रहता है। तो अभी सुनसान लग रहा है। परी, डुगू नहीं है तो अच्छा लग रहा है तुमको? नहीं, नहीं लग रहा है। बेचारी खेलती थी डुगू के साथ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डुगू आ जाएगा। और अभी हम जो हैं सो तालाब का देहाती मछली लाए हुए हैं, छोटा छोटा, तो आप सभी को दिखाना चाहेंगे। और ये देखिए, पोलिस अभी जस्ट हम खरीदे हैं, पेट्रोल डलवाने गए थे पंप में तो वहीं पे मिला। इसका MRP दिखाते हैं आप सभी को कितना है और हमने कितना में ख़रीदा। ये देखिए दोस्तों, इसका MRP 270 रुपये है, लेकिन इसको हम खरीदे हैं 130 रुपये में। 150 रुपये मांग रहा था, सॉरी 170 रुपये मांग रहा था, तो इसको हम मुलाई करके 130 रुपये में खरीदे हैं। तो इसको रखते हैं फिलहाल अभी साइड में। और यहाँ पे देखिए, मछली लाए हुए हैं पूरा 1 kg। ये देखिए, छोटा छोटा पीस मछली लाए हुए हैं और दो को डिक्की में गिर गया है। तो इसमें छोटा मछली है, इसको सबसे पहले प्लेट में रखते हैं। अभी इसको हम लेके जा रहे हैं नल के पास धोने के लिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा जो है मिट्टी रहता है, क्योंकि तालाब का मछली है। और पापा को जो है ये छोटा वाला मछली बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी पापा देखेंगे ना, खुश हो जाएंगे। तुम खाएगी परी? हाँ। मछली खाएगी? ठीक, शाम को आ जाना, ठीक है? हाँ, बनेगा ना, उसमें हम तुमको बुला लेंगे, ठीक। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल इसको धोने के लिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा कीचड़ रहता है तालाब में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है। मछली छोटा मछली है तो धोने में थोड़ा परेशानी होता है। और इधर मम्मी साग वगैरह उखाड़ के रखी है मॉर्निंग में मार्केट ले जाने के लिए। ये मिक्स साग, गंधारी साग, सब फ्रेश करके रखी हैं। इसको सबसे पहले पलटते हैं। इसमें दो प्रकार का मछली है, दो प्रकार का मछली लिए हुए हैं, दोनों टेस्ट करेंगे। ये देखिए, देखिए ये, इसको हम लोग बोलते हैं तेलपिया मछली और इसको बोलते हैं रोहू मछली, छोटा पीस में है। देखिए इसको यहाँ ऐसे भी धोना पड़ेगा अभी, इसको यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो सारे मछली को अलग अलग कर लेते हैं। तो अभी सारे मछली को अलग अलग कर दिए हैं, मम्मी आके धो देगी, हमको धोना आता नहीं है, मम्मी और शीला को ही आता है। तो अभी देख सकते हैं, सारे मछली को अलग अलग कर दिए हैं, बहुत मच्छी लगते हैं। तो ये तेलपिया मछली है, ये दो मछली अलग मिला और ये तो रोहू मछली है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने खेतों में और देखिए, इधर मकई लगा हुआ है बहुत सारा। मुर्गा का आवाज़, मकई लगा हुआ है इधर भी और इधर साग लगा हुआ है पूरे खेत में। फिलहाल जा रहे हैं साग उखाड़ने के लिए, पालक साग।
ये देखिए हरा भरा पालक साग। ग्रीन ग्रीन। तो दोस्तों अभी साग उखाड़ा हुआ हो गया है और अभी हम लोग फिलहाल घर जा रहे हैं और अभी मछली बनाने का तैयारी करेंगे। तो अभी चलते हैं घर।